गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 7th of June 2023 एंड अभी टाइम हो रहा है 3:35 AM. वाई दिस अर्ली गुड मॉर्निंग? बिकॉज हम जा रहे हैं एक और एक्साइटिंग वेकेशन पे, विच इज तुंगनाथ. सो लेट्स गो. तो ये एक रोड ट्रिप है हमारे होम दिल्ली से तुंगनाथ तक, जिसका डिस्टेंस होने वाला है 433 किलोमीटर इन टोटल, जिसमें से हम कुछ 418 किलोमीटर्स को कवर करेंगे अपने डे वन पर एंड पहुंचेंगे हमारे होटल जो हमने तुंगनाथ से 15 किलोमीटर्स पहले बुक किया है. एंड नेक्स्ट डे बचे हुए डिस्टेंस को कवर करके शुरू करेंगे हमारे इस ट्रैक को तुंगनाथ एंड चंद्रशिला के लिए. एंड टू एक्सपीरियंस दिस मोर वेल, फॉलो करो इस जर्नी को मेरे साथ टिल द एंड. सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय दिस व्लॉग. फुल कर दो, फुल पेट्रोल नॉर्मल. अभी हम कुछ दूर चलकर आए हैं पेट्रोल पंप पर एंड पापा टायर्स का एयर प्रेशर और वो सब मॉनिटर करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं एंड मैप्स पर दिखा रहा है कुछ 10 hours 8 minutes एंड देखते हैं हम ये 10 hours 8 minutes की जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं. अभी टाइम हो रहा है 3:47 AM. जय हो, जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा. मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भरा. अभी हम लोग हैं हरिद्वार से 44 किलोमीटर पीछे और एक पेट्रोल पंप है, यहाँ रुके हैं फॉर अ वॉशरूम ब्रेक. फर्स्ट हॉल्ट है हमारा ये एंड मिलते हैं आगे, ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं कहीं पे. टाइम हो रहा है 8:45 और अभी हम लोग हैं ऋषिकेश में, फेस कर रहे हैं थोड़ा सा जाम जो कि राफ्टिंग जीप्स और लोकल ट्रैफिक है कह सकते हैं. देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा हॉल्ट होने वाला है ब्रेकफास्ट के लिए. और ऋषिकेश ऑलमोस्ट क्रॉस करने के बाद हम एक रतूड़ी जी ढाबा पे रुके हैं जो एक टर्न पे ढाबा बना हुआ है. यहाँ से श्रीनगर बचता है 93 किलोमीटर्स उत्तराखंड वाला एंड अब कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, ये फर्स्ट हॉल्ट है और देखते हैं कुछ आलू पराठा टाइप्स खाते हैं और फिर चलते हैं. दो आलू प्याज पराठा, एक गोभी पराठा, दो मैगी बिना हरी मिर्च के और 5 cups of tea, मीठा बिल्कुल कम, ठीक है, चीनी रख के ले लेते. मस्ती कर रही है कैट. हम्म,
ऊपर वाला होगा। फूड ठीक ठीक था यहाँ पे, आलू पराठे और चाय खाए, ब्रेकफास्ट किया और हॉल्ट खत्म, और अब निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय, मिलते हैं आगे अगले हॉल्ट पे। वो लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं, जब तक मैं चलता हूँ आगे एक प्रॉपर और एक गुड व्यू के लिए, तो देखते हैं। और इस पॉइंट से शुरू होती है गंगा, तो ऑल दो हम नीचे नहीं जाएंगे, हमारे केदारनाथ वाले ट्रिप में भी ये पार्ट आया था जब हम केदारनाथ गए थे 2019 में। ये है संगम, वो है अलकनंदा और ये है भागीरथी, एंड यहां से बन रही है गंगा। हेलो गाइज, वेलकम टू हॉल्ट नंबर 4। ये है धारी देवी टेम्पल। अभी हम डिसाइड ये कर रहे हैं कि हमें यहाँ जाना है या नहीं जाना, क्योंकि रश हमें यहीं से दिख रहा है, तो लेट्स सी। तो डिसाइड ये हुआ है कि हम मंदिर जाएंगे आते हुए, अभी फिलहाल बैक ऑन ट्रैक। एक और हॉल्ट लिया हम लोगों ने, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करी हैं और लंच का प्लान कर रहे थे, बट इस रेस्टोरेंट में स्टाफ नहीं है, तो हमने जहाँ होटल बुक करा फिर हमने वहीं फ़ोन कर दिया, बिकॉज यहाँ से सिर्फ 2 आवर्स बचे हैं, लेस देन 2 आवर्स एक्चुअली। तो देखते हैं अब कब पहुँचते हैं चोपटा। मटू भाई कितना डिस्टेंस रह गया? 5 मिनट्स रह गए हैं हमारे होम स्टे के लिए। ये है होटल माउंट व्यू चोपटा, एंड स्मॉल सा क्यूट सा रेस्टोरेंट है उनका ऊपर, एंड नीचे जाकर रूम्स है इन द वैली साइड, और ऊपर ये छोटा सा रेस्टोरेंट और छोट शॉप कह सकते हैं इसको। और अगर हम नीचे जाएं यहाँ से तो ये बड़ा ऑफ बीट सी लोकेशन पे, आसपास कुछ भी नहीं है इसके, एंड ये ऊपर सब लोग बैठे हैं अभी आए हैं। ये रहा मट्टू, लेट्स गो नीचे जाके देखते हैं। ये है कुछ नीचे का व्यू, ये खड़ा मंटू, और अभी टाइम हो रहा है 3:15। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कुछ हम इवनिंग में पहुंचेंगे, बट हम लकीली जल्दी आ गए हैं, बिकॉज हमने वो ऋषिकेश और हरिद्वार वाला जाम स्किप कर दिया, ट्रैफिक जाम, बिकॉज क्योंकि एक तो हम वीकेंड पे नहीं आए और हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो हम थोड़े से लकी हो गए हैं। एंड उसके बाद एक्स्ट्रा लकीनेस जो हमें फील हो रही है वो ये हो रही है कि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। ऋषिकेश तक बहुत गर्मी थी, उसके बाद गर्मी ही लग रही थी हमें टिल जोशी मटन ऑल, और बट यहाँ पर आने के बाद तो
बहुत ज़्यादा प्लेजेंट। बारिश हो गई है बहुत, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, बट एक प्यारी सी बारिश, वेदर ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। एंड यस, तो अब लंच इन्जॉय करेंगे। लंच के लिए हमने ऑलरेडी बोल दिया था। ठंड एक्चुअली में टेम्परेचर नीचे आ गया और अब हम जा रहे हैं लंच करने, जो हमारे लिए भैया ने प्रिपेयर किया है। तो देखते हैं लंच में क्या है। एक बार मैं अगर आपको दिखाऊं, दिस इज आवर होटल माउंट व्यू और ये हमारी कार्स पार्क्ड, टोटली एम्प्टी रोड एंड लंच। ये आ गया हमारा लंच, दाल चावल रोटी सब्जी विद दिस व्यू। फूड हो गया डन हमारा एंड अब हमने टी मंगवाई है क्योंकि बारिश के बाद टी का मज़ा ही कुछ और आता है। गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:45 एंड मैं सोकर उठाऊँ जस्ट 10 मिनट्स पहले ही, एंड बाहर आया तो टेम्परेचर और भी डाउन है। एंड व्यू अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कैमरा इसलिए वियर्डली प्लेस किया हुआ है कि जस्ट आई टर्न, तो व्यू एक बार आप देखो इस वैली का नाइट में। वाओ, मतलब दिस इज सो कूल, सो ब्यूटीफुल। ये वाला पार्ट तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मेरे सामने, जो टोटल ब्यूटी। एंड ये सामने वो विलेज है जो दिन में दिख रहा था। एंड ये जो लाइट्स दिख रही है ना, दिस इज द पाथवे ऑफ तुंगनाथ। बाकी देखते हैं अब डिनर बनेगा, फिलहाल हमने यहाँ पे टी इंजॉय करी है एंड देयर ऑल इन द ब्लैंकेट्स क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है। एंड ये अशोक वो फायर लिट करने वाले हैं बिकॉज इसकी ज़रूरत है एक्चुअली, जस्ट नॉट फॉर द ऐसी फन बट है एक्चुअली। एंड लाइट्स ऑन हो गई हैं इनके रेस्टोरेंट कम शॉप की। सो या दिस इज ऑल, मिलते हैं आपसे डिनर के लिए, देखते हैं डिनर में क्या बना है हमारे लिए एंड मीट यू एट द डिनर। अब हम आ गए डिनर करने गाइस। यस, द गेट सेज इटसेल्फ, डिनर टाइम। ये आ गई हमारी डिनर प्लेट, पहाड़ी राजमा, पनीर भुर्जी, रोटी एंड राइस। राइस मैंने नहीं लिया अभी बट करते हैं डिनर। हे गाइस, डिनर वगैरह कर आ चुके हैं। डिनर में था राजमा, पनीर भुर्जी एंड रोटी। बहुत अच्छा, टेस्टी, बहुत हेल्दी, होमली खाना और दिन से टेस्ट में मच अपग्रेड, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने थोड़ा बताया कि हम थोड़ा सा स्पाइस पसंद करते हैं तो उन्होंने अपग्रेड किया बहुत अच्छा। और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 होने में 10 मिनट्स है, 10 PM एंड टेम्परेचर इज राइट नाउ 17 एंड फीलिंग लाइक 10 क्योंकि ठंड अच्छी खासी हो गई है और क्योंकि शाम से काफ़ी बार बारिश हो चुकी है लगातार। अभी एकदम डार्क हो गया आसपास, कुछ लाइट नहीं दिख रही एक्सेप्ट ये एक बल्ब के सहारे मैंने रिकॉर्ड किया ये वाला बिट। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है आसपास, रिवर की जो साउंड है वो इसमें नहीं आ रही होगी ऑब्वियसली, ये उतना अच्छा क्वालिटी का माइक नहीं है बट मुझे आ रही है। विंड स्पीड इंक्रीज हो गई है, टेम्परेचर और डाउन जाएगा अभी। अभी 17 है तो 14 के आसपास तो गूगल शो कर रहा है, मिनिमम 13 जाएगा वो मिडनाइट के बाद, ऐसे 2 AM के आसपास। तो अभी प्लान यही है, डिनर हो गया, अब सोएंगे क्योंकि फुल टायर्ड है आज की जर्नी से। कल सुबह 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है, ब्रेकफास्ट में देखते हैं आलू के पराठे और समथिंग कुछ खाकर निकलेंगे यहाँ से चोपटा के लिए। 30 मिनट्स पीछे हम चोपटा से और फिर हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से अपना तुंगनाथ का ट्रिक।
एंड तब तक के लिए गुड नाइट, चलते हैं सोने, ओम नमः शिवाय। बहुत मस्त होने वाला है आगे, हम जाने वाले हैं तुंगनाथ एंड चंद्रशिला पीक भी जाएंगे, तो चलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में आपसे, बाय बाय।